नागपुर पुलिस ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए खुद को सोशल मीडिया का चैंपियन बताने वाले एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की काली करतूतों का पर्दाफाश किया है। आरोपी अजीत गुणवंत पारसी बताया गया है। दरअसल यह व्यक्ति अपनी ब्रांडिंग के नाम पर कई लोगों से संपर्क साधता था, खास करके डॉक्टरों को अपने जाल में फंसाने की कोशिश करता था। खुद को डिजिटल मीडिया का चैंपियन बताने वाले एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के काले करतूतों ने पुलिस को भी आश्चर्यचकित कर दिया है। कुछ समय पहले तक वह सोशल मीडिया पर छाया हुआ था। बताया जाता है कि उसने खुद की ब्रांडिंग करके कई हस्तियों को अपने प्याले में उतार लिया। बाद में शुरू हुआ उसके ब्लैकमेलिंग का गोरख धंधा। जहाँ शहर के कई डॉक्टर और अधिकारी उसके जाल में फंसे और उन्हें करोड़ों रुपए देने पड़े। जब एक डॉक्टर ने हिम्मत कर पुलिस से इसकी शिकायत की तो उसके कारनामे सामने आए। फिलहाल पुलिस ने एक मामला दर्ज किया है, लेकिन लगभग दर्जन भर शिकायतें लगातार आ रही हैं। आपको बता दें कि आरोपी अजीत गुणवंत पार से बताया जा रहा है। एक डॉक्टर के फिरियाद पे 4.5 करोड़ का उनको उसने फसवणूक किया, इस प्रकार की एक फिरियाद आई थी। उस फिरियाद के अंतर्गत गुनाह दाखिल किया गया है। आरोपी फिलहाल, आरोपी की घर जड़ती वगैरह ली गई है, लेकिन उसका तबीयत बराबर नहीं रहने की वजह से उसको अरेस्ट की कोई कार्रवाई नहीं की गई है। उसके पास से कुछ पॉलिटिकल लीडर्स के, कुछ पार्टीज़ के कुछ फेक लेटर हेड्स मिले हैं, बहुत सारे स्टैम्प्स मिले हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बनाने के बहुत सारे उसके कागजात मिले हैं, कोरे स्टैम्प पेपर्स मिले हैं। ओवरऑल ये काफ़ी लोगों का फसवनुक किया है, ऐसा प्रथमदर्शनी दिख रहा है। फिलहाल तो अभी एक ऑफेंस रजिस्टर हुआ है, तपास शुरू है, तपास प्राथमिक स्टेज पे है। आगे उसमें और भी बात निष्पन्न होने की चांसेस है, फिरियादी भी और सामने आने की चांसेस है। नहीं, अब फिलहाल तो वो खुद था ऐसा नज़र आ रहा है। कंप्यूटर्स वगैरह पे वो फेक डॉक्यूमेंट्स तैयार करता था और लोगों को झांसा देता था कि वो बहुत वेल कनेक्टेड है और कुछ ग्रांट्स लाके देगा, कुछ CSR फंड्स लाके देगा, या इस केस में उस डॉक्टर के पास उन्होंने फेक CBI के वारंट्स दिखाए कि आपके अगेंस्ट CBI की इंक्वायरी शुरू हुई है, वारंट है और आपको अरेस्ट किया जाएगा। उसके बाद उससे पैसे ली गई, उसके बाद वो CBI की एक फेक क्लोजर रिपोर्ट उसने सामने किया। अलग अलग वरिष्ठ सेंसिटिव कार्यालयों के ईमेल IDs, मतलब फेक ईमेल IDs बना करके उस ईमेल IDs से कुछ कॉरेस्पॉन्डेंसेस किए हैं। ओवरऑल ये खुद से ही किया हुआ है सब कुछ, और कंप्यूटर्स लैपटॉप्स पे इसने सब डॉक्यूमेंट्स क्रिएट किए हैं, ऐसा दिख रहा है। स्टैम्प्स बहुत सारे ऑफिसेज के, इनफैक्ट पुलिस स्टेशन सदर का भी उसके पास स्टैम्प आया है। वो उसको बहुत सारे रजिस्ट्रार ऑफिस जहाँ पे डॉक्यूमेंट्स रजिस्टर वगैरह होते हैं, वहाँ के भी उसके पास काफ़ी सारे स्टैम्प्स मिले। गिरफ्तार करना था, लेकिन जब टीम गई थी उसके घर पे झड़ती लेने के लिए, तो वो शायद उस स्थिति में है नहीं कि उसको कस्टोडियल इंट्रोगेशन किया जा सके। वो काफ़ी ज़्यादा बीमार अभी फ़िलहाल दिख रहा है। नहीं, एक ही डॉक्टर ने फिरियाद दिया है, बाकी और लोगों की भी फिरियाद, कुछ ओरल इन्फॉर्मेशन आई है, लेकिन फ़िलहाल अभी एक ही FIR है। उसमें इस डॉक्टर को उसने PMO आगे कुछ लिख करके @gmail.com का अकाउंट लगा करके उधर से कुछ उसने मेल्स उस मेल ID से डॉक्टर्स को भेजा, ये दिखाने के लिए कि वो बहुत वेल कनेक्टेड। देखिए, फिलहाल तो FIR 4.5 करोड़ का एक FIR है, लेकिन जो जानकारी मिल रही है उसके हिसाब से 20 से 25 करोड़ का अलग अलग लोगों को उसने चीटिंग किया है, ऐसा दिख रहा है। कुछ जानकारी सेक्सटॉर्शन रैकेट के भी कुछ सामने आ रहा है कि कुछ लोगों का उसने कॉम्प्रोमाइजिंग पोजीशन में वीडियो रिकॉर्डिंग करके उनसे भी पैसे उसने लिए हैं। लेकिन चूंकि एक्यूज्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन के लायक फ़िलहाल नहीं है, तो बहुत ज़्यादा अभी खुलासा नहीं हो पाया है, लेकिन फिर भी हम उसकी तपास। गौरतलब रहे कि कुछ ही समय में उसने अपनी ब्रांडिंग करके नामी लोगों से संपर्क बनाए, विशेष तौर पर डॉक्टरों को उसने टारगेट किया। ऐसे ही एक होम्योपैथी डॉक्टर उसके झांसे में आ गए। अजीत ने डॉक्टर को कॉलेज की मान्यता दिलाने और CSR फंड के जरिए करोड़ों रुपए दिलाने का झांसा भी दिया था, और इसकी एवज में उसने डॉक्टर से लगभग 1.5 करोड़ रुपये भी ऐंठ लिए थे। NBC News के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ रूपा पंडित की रिपोर्ट।